नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। और मैं हूं आपके साथ निधा अहमद। तो दिन भर की बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी। आज कौन कौन सी वो बड़ी खबरें हैं, ये सबसे पहले वो आप तक पहुंचा देते हैं जिन पर हमारी नजर बनी रहेगी। तो बात सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की, जिनकी आज 97वीं जयंती है। और इस अवसर पर पीएम मोदी और बीजेपी के तमाम नेता दिल्ली में सदैव अटल समाधि स्थल पर श्रद्धांजलि देंगे। वहीं पंजाब के लुधियाना में कोर्ट ब्लास्ट मामले को लेकर डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा खुलासा कर सकते हैं। इसके अलावा दिल्ली में आज अमित शाह भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन करेंगे। और इसके साथ ही हमारी नजर रहेगी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ की, क्योंकि यूपी में सीएम योगी छात्रों को स्मार्टफोन की सौगात देंगे। और देश दुनिया में ओमिक्रॉन के क्या हालात है, क्या ताजा आंकड़े कह रहे हैं, ये भी हम आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि देश दुनिया में ओमिक्रॉन के मामले 1,50,000 से भी ज्यादा पहुंच चुके हैं, जिसका संक्रमण दुनिया के 108 देशों तक फैल चुका है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के शोपिया से ये बड़ी खबर आ रही है। शोपिया के चौगाम इलाके में एनकाउंटर हुआ है सिक्योरिटी फोर्स और आतंकियों के बीच, फायरिंग अभी भी जारी है। सिक्योरिटी फोर्स ने आतंकियों को घेरा है, इस वक्त की बड़ी खबर। आपको बता दें शोपिया से, जम्मू कश्मीर के शोपिया से जो निकलकर सामने आ रही है, सिक्योरिटी फोर्स ने आतंकवादियों को घेरा है। शोपिया के चौगाम इलाके में यह एनकाउंटर किया गया है और सिक्योरिटी फोर्स और आतंकियों के बीच लगातार फायरिंग हुई, जिसके बाद आतंकियों को घेर लिया गया है। तो जम्मू कश्मीर के शोपिया से ये अहम खबर, जहां पर आपको बता दें कि शोपिया के चौगाम इलाके में एनकाउंटर की खबर सामने आ रही है। सिक्योरिटी फोर्सेज और आतंकियों के बीच फायरिंग अभी भी लगातार जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने आतंकियों को घेर रखा है, तो चारों तरफ से घेर कर सर्च अभियान भी किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल जो फायरिंग है दोनों के बीच अभी भी वहां पर जारी है। तो सिक्योरिटी फोर्स और आतंकियों की फायरिंग लगातार जारी है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। संयुक्त किसान मोर्चा की बड़ी बैठक आज होने वाली है। चुनाव लड़ने के ऐलान कर सकते हैं एसकेएम। पंजाब में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी जोरों शोरों से शुरू हो गई है। और खबर यह है कि दोपहर 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा एसकेएम, उसके बाद अहम जानकारी जो है वो साझा होगी। तो संयुक्त किसान मोर्चा की आज बड़ी बैठक, और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि आज दोपहर जब 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा एसकेएम, तो शायद चुनाव लड़ने की घोषणा जो है वो संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से की जा सकती है, क्योंकि चुनाव लड़ने का ऐलान आज एसकेएम कर सकता है। तो पंजाब में विधानसभा चुनाव है, लिहाजा अब ये किसान मोर्चा भी चुनावी मोड में नजर आ रहा है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा की आज ये अहम बैठक 3:30 बजे देखना होगा, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो आखिर कौन सी घोषणा करेगा एसकेएम। तो संयुक्त किसान मोर्चा की बड़ी बैठक होने वाली है, इस पर नजर न्यूज इंडिया की लगातार बनी रहेगी। इस बैठक के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो लगातार आपको बताते रहेंगे। पंजाब में विधानसभा चुनाव है और ऐसे में ये बैठक अहम मानी जा रही है। और अगली बड़ी खबर है लुधियाना कोर्ट ब्लास्ट मामले से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि ब्लास्ट में मृतक हमलावर की पहचान हो गई है। दरअसल पूर्व पुलिसकर्मी के तौर पर यह पहचान हुई है, हालांकि फिलहाल ये पहचान की जो खबर आई है सूत्रों के हवाले से ये खबर है अभी तक। और आज डीजीपी इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं। तो पंजाब के शहर लुधियाना की कोर्ट में हुए बम धमाके को लेकर सनसनीखेज खुलासा हुआ है, क्योंकि सूत्रों के मुताबिक ये खबर सामने आ रही है कि पंजाब के लुधियाना कोर्ट में हुए बम विस्फोटक में मारे गए जो शख्स है वो एक पूर्व पुलिसकर्मी है। बम हमलावर की पहचान पूर्व पुलिसकर्मी गगनदीप सिंह के रूप में हुई है। सूत्रों के मुताबिक वो पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल था और साल 2019 में सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था। ड्रग तस्करी केस में गिरफ्तारी के बाद उसने 2 साल जेल में बिताए थे और उसे सितंबर में रिहा किया गया। उसके सिम कार्ड और डोंगल से उसकी पहचान साबित हो पाई है। आपको बता दें कि उसके परिवार ने भी माना है कि शव गगनदीप का है। खबर है कि इस पूरे प्रकरण को लेकर पंजाब के डीजीपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ी जानकारी आज दे सकते हैं। तो इस खबर पर भी न्यूज इंडिया की नजर लगातार बनी रहेगी। अब खबर गुजरात से है। गुरु पर्व समारोह को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कच्छ के लखपत साहिब गुरुद्वारे में गुरु पर्व समारोह को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि दोपहर 12:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। गुरु नानक देव कच्छ से इसी गुरुद्वारे में ठहरे थे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिखों के पहले गुरु नानक देव के 552वें प्रकाश पर्व के अवसर पर गुजरात के कच्छ में स्थित लखपत साहिब गुरुद्वारे में आयोजित गुरु पर्व समारोह को आज संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि हर साल 23 दिसंबर से 25 दिसंबर तक गुजरात के सिख लखपत साहिब गुरुद्वारे में गुरु नानक देव जी का गुरु पर्व मनाया जाता है। पीएमओ के बयान के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताते हैं।
तो प्रधानमंत्री मोदी आज दोपहर करीब 12:30 बजे गुजरात के कच्छ में स्थित गुरुद्वारा लखपत साहिब में गुरु नानक देव जी के गुरु पर्व समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। तो गुरु नानक देव जी अपनी यात्रा के दौरान दरअसल लखपत में ही ठहरे थे। गुरुद्वारा लखपत साहिब में उनकी कुछ वस्तुएं हैं जो आज भी ऐसी ही रखी हुई हैं, जैसे खड़ाऊ और पालकी सहित और गुरुमुखी लिपि है। आपको बता दें कि गुरु नानक देव के जन्म के दिन को सिख समुदाय प्रकाश पर्व के तौर पर मनाता है और इस बार उनका 552वां प्रकाश पर्व मनाया जा रहा है। तो गुरु पर्व समारोह को संबोधित करेंगे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोपहर 12:30 बजे का यह कार्यक्रम है। गुरु नानक देव कच्छ के इसी गुरुद्वारे में ठहरे थे। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि अमेरिकी नौसेना ने एक बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए भारत की समुद्री सीमा से सटे अरब सागर से हथियारों का जखीरा बरामद किया है। अमेरिकी नौसेना ने 5वीं यूनिट ने अरब सागर से उत्तरी हिस्से से 1400 AK-47 राइफल और लाइट मशीन गन, ग्रेनेड और करीब 2,26,000 राउंड गोली बरामद किए हैं। ये राइफल मछली पकड़ने वाली नाव में छिपाकर रखी गई थी और इस नाव पर ना तो किसी देश का झंडा है और ना ही रजिस्ट्रेशन था। संदिग्ध नाव को देखकर अमेरिकी नौसेना ने इसकी तलाश ली तो इसमें मौत का सामान देखकर सभी हैरान हो गए। ये हथियार ईरान में बने हैं और बताया जा रहा है कि हथियार हूती विद्रोहियों को भेजा जा रहा है। इस तस्करी में शामिल 5 लोगों को अमेरिकी नौसैनिकों ने पकड़ा भी है और पूछताछ के बाद उन्हें यमन भेज दिया गया है।